नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले क्रिस डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। एक चारी में आवासीय जमीन 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को किया संबोधित, विकास के बदले मांगे वोट। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा 15 वर्षों तक जदयू के विधायक रहते नाथनगर का नहीं हुआ विकास। भागलपुर में डेंगू के डंक से आधा दर्जन लोगों की हुई मौत, निगम प्रशासन मच्छर मारने में विफल। बावरगंज में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाला 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश में पुलिस कर रही है छापेमारी। और सोनू राय हत्याकांड मामले में एक अपराधी गिरफ्तार, नगरछिया एसपी निधि रानी ने जल्द सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेने की कही बात। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के नाथनगर एवं बांका के बेलहर विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल के पक्ष में सबौर बहादुरपुर हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने 15 वर्षों के शासन में किए गए विकास कार्यों के नाम पर जनता से वोट देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह लक्ष्मीकांत मंडल ने पार्टी की सेवा की है, उसी तरह वह जनता की भी सेवा करेंगे। इससे पूर्व सांसद ललन सिंह, काकासाहेब परवीन सहित कई नेताओं ने सभा को संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने बेलहर के झामा मैदान में जदयू प्रत्याशी लालधारी यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्य एवं उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए काफी काम किया है। मुख्यमंत्री ने विकास के नाम पर लोगों से लालधारी यादव के पक्ष में वोट देने की अपील की। हम यही भागलपुर सेंट्रल जेल में, तो मेरा रिश्ता तो भावनात्मक भी है और इस इलाके के विकास के लिए तो जो भी संभव है हम काम करते रहे, और हम लोगों की प्रतिबद्धता है। जब से आप लोगों ने काम करने का मौका दिया है, हमारी प्रतिबद्धता है न्याय के साथ विकास, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के सब तबके का उत्थान, उसका विकास। हमने समाज के सभी तबकों का जो हाथिए पर खड़े थे, उनके लिए हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, महिलाएं हों, सबके उत्थान के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की। और आज जो बिहार की स्थिति आप सब जानते हैं, कहाँ क्या बुरा हाल था, आज उससे हम कहाँ आगे बढ़े हैं। 21 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर राजनीतिक दल के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अपने अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए वरिष्ठ नेता कहीं जनसंपर्क अभियान चला रहे तो कहीं जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। शुक्रवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बहवलपुर जरलाही मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जदयू लगातार 15 वर्षों से नाथनगर विधानसभा चुनाव जीत रही है, लेकिन नाथनगर विधानसभा क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने राव्या खातून के पक्ष में मतदान करने की अपील लोगों से की है। कहां जाएगा सत्ता? और ये सरकार भागलपुर में, आप लोग जानते हैं भागलपुर में रहते हैं, सृजन घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री से लेकर के सब सत्ताधारी बड़े बड़े अधिकारी फंसे रहे हैं, शौचालय घोटाला, हर योजना में घोटाला ही घोटाला हो रहा है। एक अधिकारी, एक पदाधिकारी नहीं पकड़ा जा रहा, और कितना मौका दीजिएगा? 15 साल मौका दे दिए, 15 साल तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और कितना मौका दोगे? ये आप लोगों का फैसला देना है कि बिहार को पीछे ले जाना कि आगे बढ़ाना है, लोगों की गरीबी को मिटाना है, नौजवानों को रोजगार देना है, इस पे ध्यान दिया जाए, या जो लोग आप लोगों का खजाना में जो सरकार का पैसा जिसकी घोटाले पे घोटाला करके लुटवाने का काम कर रहे हैं, लूट रहे हैं, उन लोगों का साथ दूंगे। ये फैसला आप लोग कीजिए। हमको तो नहीं लगता जो व्यक्ति 15 साल में विकास नहीं किया वो आगे भी चल करके विकास करेगा, ये तय आप लोगों को करना है। नीतीश कुमार बोलते हैं बिहार में गरीबी है, गरीब है,
तब 15 साल का मुख्यमंत्री किए हैं तो कौन हुआ जिम्मेदार बिहार को गरीब रखने का? जब हम लोगों की सरकार थी तो हम लोगों का केंद्र में राज्य नहीं था तो अकेला व्यवहार होता था, लेकिन यहां तो डबल इंजन की सरकार है। दे दो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, कर दो गरीबी दूर। यहां कितने नौजवान जो है बेरोजगार है, हाथ उठा के बताओ तो। बेरोजगारी है कि नहीं है? रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? भागलपुर में डेंगू का कहर जारी है। डेंगू के कारण बीते 4 दिनों में आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही जिले भर में डेंगू ने महामारी का रूप ले लिया है। वहीं शहर में डेंगू की रोकथाम और नाले की साफ सफाई की मांग को लेकर सामाजिक संगठन की ओर से लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। शुक्रवार को भागलपुर समाहरणालय पर गंगा मुक्ति आंदोलन, राष्ट्रीय सेवा दल और झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया। धरना पर बैठे बुद्धिजीवियों ने जिला प्रशासन और नगर सरकार से डेंगू की रोकथाम के लिए सभी वार्डों में नियमित रूप से फॉगिंग कराने और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव कराने की मांग की। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो ने कहा कि स्मार्ट सिटी की जनता डेंगू से परेशान है और अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक निंद्रा में है, जबकि परिधि के उदय ने कहा कि नगर निगम मच्छर मारने में भी विफल है। मौके पर रामशरण, मनोज मीता, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खां, ललन, डॉक्टर प्रमोद, डॉक्टर जयंत जल्द, वासुदेव भाई, राहुल, संजय सिंह समेत कई समाज सेवी मौजूद थे। अस्पताल में जगह नहीं है, महंगा इलाज है, गरीब लोगों को पैसा नहीं है। ऐसी दशा में प्रशासन को ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन इतनी असंवेदनशीलता कि आप तैयार नहीं होते। इतनी बारिश हो रही थी, सब लोग जानते हैं कि ये होने वाला है, और उसके बाद अब काम नहीं करते हैं। नीतीश जी आज आ रहे हैं, कल उप मुख्यमंत्री आए, मंत्री आ रहे हैं नाथ नगर में, और एक शब्द नहीं कि भागलपुर में क्या हो रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर 2-4 स्क्रीन लटका हुआ है, जहाँ तो लटका दिया गया है। सड़कें जहाँ तोड़ने का तोड़ दिया जाता है। कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं है। इतनी अव्यवस्था होती है शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर। पटना भी स्मार्ट सिटी, भागलपुर स्मार्ट सिटी, और दोनों सिटी को देख लीजिए क्या तमाशा। इससे ज़्यादा अच्छा है जो स्मार्ट सिटी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है हम लोग जो बैठे हुए हैं ध्यान आकर्षण करने के बैठे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी कम से कम जल जमाव है उसको जल्द समाप्त करिए। जहाँ पर छिड़काव है वहाँ छिड़काव कीजिए। हॉगिंग के नाम पर सड़क पर दौड़ते रहते हैं, गली मोहल्ले में कौन करेगा? सड़क मोहल्ले में सड़कों पर कर देने से मोहल्ले में मच्छर चला गया और वहाँ पर कोई काम नहीं है। मुझे लगता है बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से, अवैज्ञानिक ढंग से, असंवेदनशील ढंग से काम किया जा रहा है। तो ध्यान आकर्षण हम लोग कर रहे हैं कि आप जो है थोड़ा व्यवस्थित होइए और जनता के प्रति सचेत। हम लोग आज यहाँ बैठे हैं कि भागलपुर समेत पूरे बिहार में डेंगू फैला हुआ है, और ये जो डेंगू फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है, ये बारिश के कारण जो जल जमाव हुआ और जल निकासी की जो योजना ठीक से नहीं बनाई गई है, इसके कारण ये डेंगू फैला है। तो एक तो सरकार तात्कालिक रूप से डेंगू को रोकने के लिए, मच्छर को मारने के लिए वो प्लान बनाए और एक टाइम लाइन में घोषित करें कि हम भागलपुर को मच्छर मुक्त करेंगे, एक भी मच्छर यहाँ नहीं रहेगा, ऐसा वो टाइम लाइन ले और घोषित करें। सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों को भागलपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला बबरगंज थाना क्षेत्र के बागबाड़ी का है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि फैजान अंसारी और उसके साथियों ने गुरुवार की रात एक युवती के साथ बागबाड़ी बाजार में जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी बबरगंज पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म की घटना में शामिल 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान सकरुल्ला चक निवासी फैजान अंसारी और अगरपुर निवासी रवीन कुमार के रूप में हुई है। छापेमारी टीम में शामिल SI फिरोज अहमद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बागबाड़ी इलाके में ही आरोपी छिपकर मामले की निपापोती करने में लगा था। विक्रमशिला पुल पहुंच पथ के जगतपुर के समीप गुरुवार की सुबह खरीक के जिला परिषद सदस्य गौरव राय के बड़े भाई सोनू राय की हत्याकांड में शामिल एक आरोपी मुरली राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नौगछिया SP निधि रानी ने आरोपी मुरली राय की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा
की चुनावी रंजिश को लेकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। एसपी ने कहा कि हत्याकांड के उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। एसपी ने कहा कि भागलपुर से खरीक जाने के दौरान 3 बाइक पर सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है जिसका सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। एसपी ने घटना में शामिल सभी अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लेने का दावा किया है, साथ ही स्पीडी ट्रायल के तहत आरोपियों को सजा दिलाने की बात कही। वही घटना के बाद से पूरे इलाके के लोग मरमाहत है। पूर्व सांसद बुलो मंडल ने जिले में बढ़ रहे अपराध को लेकर मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है। पूर्व सांसद ने 24 घंटे के भीतर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। या फिर मान लीजिए आगे जो न्यायिक प्रक्रिया चलनी है उसमें किसी कमी का फायदा नहीं उठा पाए अपराधी, उसको सुनिश्चित करने के लिए FSL की टीम का भी यहाँ पे मतलब हम लोगों ने बुलाया था। एविडेंस कलेक्ट हो गए हैं और वैज्ञानिक तौर पे भी जो कि टेक्निकल हमारा होता है इन्वेस्टिगेशन वो भी हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो एक हम लोग जो एविडेंस है इसमें कोई नहीं छूटेगा, किसी भी तरीके से अपराधियों को इसमें कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। जल्दी ही हम लोग इसमें अगर कार्रवाई करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। झूठे वादों पर चोट करो, विकास के नाम पर वोट करो। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के सुयोग कर्मठ एवं शिक्षित जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल को वोट करें एवं नीतीश सरकार के हाथों को और मजबूत करें। जनता की आवाज आप सबके चहेते लक्ष्मीकांत मंडल के चुनाव चिन्ह तीर छाप क्रमांक संख्या 2 पर बटन दबाएं और भारी मतों से विजयी बनाएं। जनता जिनके साथ है तो डरने की क्या बात है। झूठे वादों का साथ अब छोड़ो, सच्चाई से अब नाता जोड़ो। नाथनगर का बेटा है डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, सच्चा नेता है, ईमानदार, कर्मठ, शिक्षित और समाज सेवी। नाथनगर का भविष्य है यही। चुनाव चिन्ह एसी छाप क्रमांक संख्या 9 पर बटन दबाकर सबकी पसंद डॉक्टर अशोक कुमार आलोक को जिताएं, जो नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित है। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो। अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपए में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542932154 6200122297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चोरी के आरोपी को छोड़ने की मांग को लेकर हबीबपुर के लोगों ने गुरुवार को सड़कों पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़कों पर आगजनी कर हबीबपुर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। दरअसल 3 दिन पूर्व हबीबपुर थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी के संदेह में युवक मोहम्मद गुलाम रशीद को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद भी पुलिस ने ना तो आरोपी युवक को जेल भेजा और ना ही उसे छोड़ा।
जिसके बाद कथित आरोपी के परिजनों ने स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी दी। इस दौरान काफी संख्या में लोग एकजुट होकर थाने पहुंच गए और पकड़े गए युवक को छोड़ने की मांग करने लगे। वहीं उग्र लोगों ने थाने का घेराव कर दिया, जिसके बाद मौके की नजाकत को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे। परिजनों का कहना था कि हबीबपुर पुलिस ने जबरन उसे पकड़कर थाना हाजत में बंद कर दिया है। वहीं पूरे मामले को लेकर थाना अध्यक्ष मोहम्मद इनामुल्ला ने कहा कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। वहाँ पर परवेज जमाल के वहाँ पर 3 वर्ष पहले छिनताई हुआ मोबाइल, वो बक्सर का जो है जमेदार है, वो बेचारा आ रहा था 4 बजे भोर, हम लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले तो देखे वहाँ भीड़ है, वहाँ इंस्पेक्टर साहब को देखा, सिकंदर जमाल को भी देखा, सिकंदर जमाल जो है कहीं फोन है कहाँ है नहीं, उसके बाद से ये लोग का कार्रवाई चालू हो रहा है, पूछता रहा सर, अब कौन मुजरिम है वो क्या है ये कहना मुश्किल। अभी सड़क जाम क्यों किए हैं? सड़क जाम किए हैं, गुलाब को गलत पकड़वा दिया। शांतिपूर्ण काली पूजा संपन्न कराने को लेकर गुरुवार को मौजाइदपुर थाना परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष प्रमोद सानी की। इस दौरान पूजा समितियों को थाना अध्यक्ष ने कई निर्देश दिया। बैठक में शव सम्मति से निर्णय लिया गया कि 27 अक्टूबर को प्रतिमा स्थापित होगी और 30 अक्टूबर को सभी प्रतिमाओं का विसर्जन शोभा यात्रा निकालकर किया जाएगा। केंद्रीय काली पूजा महासमिति के महामंत्री चिरंजीवी कुमार धूरी ने पुलिस प्रशासन से सभी मेयरपतियों को समय पर लाइसेंस देने की बात कही। मौके पर प्रोफेसर एजाज अली रोज, सलीम सुगंध, ब्रजेश शाह, महबूब आलम समेत कई समाज सेवी और शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। आज ये मीटिंग चहलुम काली पूजा विसर्जन और छठ तक के लिए हम लोग बैठे हैं, चूँकि 21 को चहलुम है और लगले फिर काली पूजा है, उसी पे मजाहतपुर थाना में दक्षिणी क्षेत्र का मेड़पतियों के साथ और खलीफा के साथ बैठक है, उसी में हम महासमिति से हम लोग आए हैं। हमारी पूरी टीम है, महासमिति का अध्यक्ष है, मैं खुद हूँ, कोषाध्यक्ष है, संरक्षक हैं, सारे लोग हैं, और उसकी चूँकि बात जो कि कैसे शांति और सद्भाव से मेरे यहाँ का यह पूजा संपन्न हुई, स्थान से लेके पूजा से लेके विसर्जन तक, इसी पर आज हम लोग बैठे हुए हैं और इसी पे ये मेरा चल रहा। सब ने अपनी अपनी बात रख रही और हम लोग सुन रहे हैं, फिर जहाँ जो दिशा निर्देश करना होगा फिर हम लोग बताएंगे। तो निर्णय क्या निकला है इसका? निर्णय तो है कि 27 को मूर्ति बैठेंगी, 21 को चहलुम है, सिया का 20 को है, तो निर्णय तो विधि और तिथि के हिसाब से फाइनल है। 29 को मूर्ति उठेगी, विसर्जन होगा निर्धारित रूप से। शहर में बढ़ते डेंगू के मरीज और इसके रोकथाम के लिए ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम प्रणब कुमार से मुलाकात कर युद्ध स्तर पर कार्य करने का अनुरोध किया है, जिसमें डेंगू से ग्रसित मरीजों के लिए अस्पताल में अतिरिक्त बेड लगाने, शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने, सघन एवं नियमित फॉगिंग करवाने, केमिकल एवं ब्लीचिंग पाउडर का नियमित छिड़काव कराने की मांग डीएम से की है। डॉक्टर प्रीति शेखर ने बताया कि हम लोगों के अनुरोध पर जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल में बेड बढ़ाने और शिकायत के लिए मोबाइल नंबर जारी करने की बात कही। साथ ही डीएम ने निगम प्रशासन को सभी वार्डों में नियमित फॉगिंग कराने एवं चूना ब्लीचिंग का छिड़काव करने का निर्देश दिया है। वहीं चैंबर अध्यक्ष अशोक भिवानी वाला ने कहा कि जिले में डेंगू का प्रकोप काफी बढ़ गया है, जिसकी रोकथाम जरूरी है। लोगों को ब्लड की और प्लेटलेट्स की कमी ना हो और इसके लिए चिंतित है और चैंबर ऑफ कॉमर्स अन्य संगठनों के साथ और सहयोग से जल्दी ही ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाने जा रहे हैं। बांका के बेलहर में मुख्यमंत्री के सभा के दौरान +2 स्कूल की छात्राएं हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए धरने पर बैठ गई। दरअसल कन्या उच्च विद्यालय की मान्यता को सरकार ने रद्द कर दिया है, जिससे छात्राओं को पठन पाठन की चिंता सताने लगी। छात्राओं ने कहा कि स्कूल की मान्यता रद्द होने से हम लोगों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। वहीं विरोध कर रही छात्राओं को प्रशासन ने कुछ देर बाद हटा दिया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर गुरुवार को भागलपुर अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने मिसाइल मैन अब्दुल कलाम की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। मौके पर डॉक्टर SK पांडे, केशर आलम, डॉक्टर सुनीता कुमारी, डॉक्टर रफीकुल हसन, नईम सरफराज, तमहीद समेत काफी संख्या में छात्र मौजूद थे। राज्य सरकार की ओर से बिहार करियर पोर्टल की जानकारी के लिए जिले के सभी हाई स्कूल एवं +2 स्कूल के शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रशिक्षकों के द्वारा बिहार विद्यालय
परीक्षा समिति से पंजीकृत छात्र अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को यूजर आईडी के रूप में प्रयोग कर biharcareerportal.com ओपन कर सकते हैं। SSA की संभाग प्रभारी सुनीता कुमारी ने बताया कि पोर्टल के माध्यम से 10वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राएं मेडिकल इंजीनियरिंग समेत अन्य क्षेत्रों में करियर की जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। कार्यशाला में मौजूद शिक्षकों को प्रशिक्षण सुब्रम कुमार एवं मोहम्मद माशूम रजा ने दी। कोर्सेज को, डिग्री को या जॉब ओरिएंटेड जो है जो चीज़ें हैं उसको किस तरह से सेलेक्ट किया जाए, फ्यूचर में कैसे हम कामयाब होंगे, उसके लिए बिहार सरकार ने एक वेबसाइट बनाया है जिसका नाम है बिहार करियर पोर्टल वेबसाइट। ठीक है, इसके थ्रू बच्चे को अपना एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया है, उसके थ्रू वो अपना माई करियर में अपने फ्यूचर गोल को सेव कर लेंगे। और उसमें जो है बच्चों को बहुत सारे ऑप्शन मिले हैं, जैसे कि कितने कॉलेजेस हैं पूरे भारत में, भारत से बाहर भी 12 और अलग अलग देशों का। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को किया संबोधित, विकास के बदले मांगे वोट। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा 15 वर्षों तक जदयू के विधायक रहते नाथनगर का नहीं हुआ विकास। भागलपुर में डेंगू के डंक से आधा दर्जन लोगों की हुई मौत, निगम प्रशासन मच्छर मारने में विफल। बवरगंज में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाला 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश में पुलिस कर रही है छापेमारी। और सोनू राय हत्याकांड मामले में एक अपराधी गिरफ्तार, नगरछिया SP निधि रानी ने जल्द सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेने की कही बात। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।